हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, हम इसमें अपनी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर चुके हैं, जो थी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, इसमें जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2, उसका बेसिक करेंगे। आज हम 6.2 में जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन से। एक्सरसाइज 6.2 की प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ताकि हमको प्रॉब्लम जो एक्सरसाइज 6.2 में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना है आए। तो देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन गिवन है fx, इसको हम y के इक्वल मान लेते हैं, और सपोज करो इसका ग्राफ या हमारे पास, हम इसकी स्केलिंग कर लेते हैं 1, 2, 3, 4 -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5 इधर से भी -1, -2, -3, -4, -5 x, x' y और y'। हमने एक जो फंक्शन गिवन था उसका एक ग्राफ बनाया, रफ ग्राफ बना लिया। वैसे हमारे पास ये जो ग्राफ हमने बनाया है ये अपवर्ड पैराबोला का ग्राफ है। अब आप अगर ध्यान से देखें, जहां पे हमारा एक्स की वैल्यू -4 है, एक्स की वैल्यू -4 है, तो वाई की वैल्यू हमारी कितनी आई है, या एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, ये आ गई हमारे पास 4। ठीक इसी तरह से अगर हम देखें एक्स की वैल्यू -2 है, तो वाई की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, वाई की वैल्यू या एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। ठीक इसी तरह से अगर हम एक्स की वैल्यू 0 ले लें, एक्स की वैल्यू हम 0 ले लें, तो एफ एक्स की वैल्यू वो भी हमारे पास 0 आ गई। अब अगर आप ध्यान से देखें, इसमें x की वैल्यू जब -4 आई तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 4 है, और जब x की वैल्यू -2 है तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आई 1। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहां से 0 तक ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है? बिल्कुल, अगर आप इसको ध्यान से ग्राफ को ध्यान से देखें तो ये जो फंक्शन है इसकी जो वैल्यू है डिक्रीज हो रही है। तो इस इंटरवल के बीच में इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, x1 less than x2, fx1 is greater than equal to fx2। एक फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन कब कहेंगे, किसी भी इंटरवल में अगर x1 x2 से लेस है और fx1 fx2 से या तो ग्रेटर है या इक्वल है। यहां से जो x1 और x2 है वो बिलोंग कर रहे हैं जिस इंटरवल की हम बात कर रहे हैं, तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। यहां से समझते हैं। अब देखो, हमने जो x था -4 उसको नाम दे दिया x1 का, और x2 है हमारे पास -2, तो क्लियरली x1 इज लेस देन x2, x1 लेस देन है x2 से, क्योंकि -4 तो लेस होता है -2 से। fx1 आया हमारा 4, fx2 है हमारे पास 1, तो fx1 इज ग्रेटर देन fx2, क्योंकि 4 इज ग्रेटर देन 1। तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। इसी तरह से दो वैल्यू और लेते हैं, जब x की वैल्यू 2 है, जब x की वैल्यू 2 है तो fx कितना है हमारा, fx जब x की वैल्यू 2 है तो fx हमारा 1 है, और जब x की वैल्यू
4 है, जब x की वैल्यू 4 है तो हमारा जो fx है वो 4 है। अब यहां से देखिए, अगर हम इसको x1 मान लेते हैं, इसको fx1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, इसको fx2। अब यहां से देखिए, x1 less than x2 means 2 is less than 4, बिल्कुल सही है। और fx1, fx1 is less than fx2, 1 is less than 4। तो ये जो फंक्शन देखो, यहां जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट x की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो इस फंक्शन को हम इंक्रीज हो रही है फंक्शन की वैल्यू, तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो दूसरी डेफिनेशन है हमारी इंक्रीजिंग फंक्शन की। किसी भी इंटरवल ऑन आई, किसी भी फंक्शन में, किसी भी इंटरवल में किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कब कहेंगे, इफ एक्स वन इज लेस देन एक्स टू, एक्स वन इज लेस देन एक्स टू, अगर एफ एक्स वन लेस देन एफ एक्स टू है तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। यहां पे एक्स वन और एक्स टू जिस फंक्शन में इंक्रीजिंग की बात हो रही है उस इंटरवल से बिलोंग करते हैं एक्स वन और एक्स टू। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में एक्स वन इज लेस देन एक्स टू, एफ एक्स वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स टू, और इंक्रीजिंग फंक्शन में एक्स वन इज लेस देन एक्स टू, एफ एक्स वन इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स टू। ग्राफ से ये बात ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ रही है कि जैसे ही हम एक्स की वैल्यू लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, क्योंकि लेफ्ट में जो वैल्यू होती है वो राइट से लेस होती है, लेफ्ट में वैल्यू लेस होती है और राइट में वैल्यू ग्रेटर होती है। तो जैसे हम वैल्यू लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, अगर ग्राफ की वैल्यू, ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब डिक्रीजिंग है, और ग्राफ अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब इंक्रीजिंग है। तो ये जो बात है जिसको हम ग्राफ में आसानी से समझते हैं सकते हैं, उसको मैथमेटिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में इस तरह से कहा गया है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किसी भी इंटरवल में और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और है। पहले डिक्रीजिंग लिखा होगा, डिक्रीजिंग का देख लेते हैं। यहां पे बस इक्वल का साइन नहीं आएगा, एक्स वन इज लेस देन एक्स टू, एफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एफ एक्स टू, एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू आई, जिस इंटरवल की बात करें स्ट्रिक्टली मीन्स इक्वल नहीं आएगा, इक्वल नहीं हो सकता, वो स्ट्रिक्टली लेस ही होगा, वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज ही हो रहा होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में x1 is less than x2, fx1 is less than fx2, fx2 यहां x1 और x2 belongs to I। यहां पे strictly increase ही हो रहा है और strictly decrease ही हो रहा है। इसको ग्राफ से थोड़ा सा और समझते हैं, increasing और decreasing को। हमने क्या किया, एक ग्राफ लिया। अब आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें, जैसे हम लेफ्ट से राइट आ रहे हैं तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी, तो ये हमारे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगी। अगर हम इसको देखें, जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, जो ग्राफ है, जो फंक्शन की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगी। एक और लेते हैं ग्राफ, अब यहां पे अगर हम देखें,
जो फंक्शन की वैल्यू है वो डिक्रीज तो हो रही है, लेकिन बीच में कुछ ऐसे पॉइंट भी आ रहे हैं जहां पे इक्वल भी है। वैसे तो डिक्रीज ही हो रही है, लेकिन बीच में कुछ ऐसे पॉइंट भी आ रहे हैं जहां इक्वल भी है। यहां पे जैसे जो पॉइंट होगी वहां पे इक्वल हो सकती है, पॉइंट तो एक्स वन इज लेस देन एक्स टू है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो सकती है यहां पे दो पॉइंट पे। इस तरह के काफी सारे पॉइंट मिल जाएंगे, तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। और अगर हम एक और ग्राफ बनाए इसका रिवर्स, मान लो यहां से बना के थोड़ा सा इस तरह कर दें और फिर इसको इस तरह से कर दें, तो ये हमारे पास एक वैल्यू बढ़ तो रही है, लेकिन यहां पे पॉइंट पे इक्वल, यहां पे पॉइंट पे इक्वल, इस तरह से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये ग्राफिकल मेथड से इसको समझना है, और ये हमारे पास जो इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो फॉर्मूले के बेस है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये था हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को हम ग्राफ की सहायता से और जो इंटरवल है उसमें वैल्यूज लेके उसको किस तरह से समझ सकते हैं। अब क्योंकि हम चैप्टर कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, तो डेरिवेटिव का इसमें फिलहाल यहां तक कोई यूज नहीं हुआ। तो ये कह रहा है कि जो ये इतना कॉम्प्लेक्स वर्क है, ये आप जो इतना कॉम्प्लेक्स वर्क कर रहे हो, इसको डेरिवेटिव की सहायता से बहुत ज्यादा आसानी से किया जा सकता है। इस काम को जो हमने इतना सारा काम किया है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए, आप इसको डेरिवेटिव का यूज करके बहुत आसानी से कर सकते हैं, और वही हमारा जो मेन मकसद है इस एक्सरसाइज के लिए। इस एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो वर्किंग रूल होगा वो देखते हैं। वर्किंग रूल एक्सरसाइज 6.2 के लिए, सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, कि फंक्शन गिवन है, हम क्या करेंगे उसका डेरिवेटिव कर देंगे। थर्ड स्टेप पे क्या करेंगे, उसको जीरो के साथ इक्वेट करेंगे। फोर्थ स्टेप पे क्या करेंगे, जीरो के साथ इक्वेट करके एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे जो भी आएंगे। वैल्यूज आने के बाद फिफ्थ स्टेप, अब मान लो एक्स की वैल्यू हमारे पास, एक्स की वैल्यू आ गई वन और एक एक्स की वैल्यू आ गई माइनस टू, तो जीरो वन टू माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, तो एक तो वैल्यू आई वन और एक वैल्यू आई माइनस टू। अब जो रियल लाइन है उसके तीन ब्रेक हो गए, वन टू और थ्री, ये जो ब्रेक हुआ हुआ है माइनस इन्फिनिटी से लेके और माइनस टू, ओपन रखेंगे क्योंकि क्लोज कर दिया था इन वैल्यूज पे, तो फंक्शन की वैल्यू डेरिवेटिव का जो क्या है जीरो के इक्वल है। दूसरा है माइनस टू से लेके वन तक, और तीसरा है वन से लेके इन्फिनिटी तक। इट मीन्स ये थ्री इंटरवल्स है जिनमें फंक्शन या तो इंक्रीज कर रहे हैं या फिर ये डिक्रीज कर रहे हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसके लिए किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल के लिए आई वन, फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल और थर्ड, इस इंटरवल के लिए, इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट आप अपने माइंड में सोच के एफ डैश एक्स की वैल्यू चेक करो। एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, अगर हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ये होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एफ एक्स, एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो ये हमारे पास होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये हमारे पास इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वर्किंग रूल है। बेहद इजी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने बेसिक किया कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या मीनिंग है, ग्राफिकल मेथड से उसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं इसके बारे में देखा, और फिर ये देखा कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मींस डेरिवेटिव का यूज करके किस तरह से हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, और किस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में वो डिक्रीजिंग है, इसको बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं डेरिवेटिव को यूज करके। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 6.2 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए बेसिक।